अभी हूँ जनसुराज ऑफिस में और प्रशांत किशोर जो लगातार कह सकते हैं कि 2 सालों से बिहार का दौरा कर रहे हैं और देश भर में देश दुनिया में वो जिस प्रकार से अपनी एक पहचान बनाई है पॉलिटिकल रूप से पॉलिटिकल प्रचार तंत्र को वह सोशल साइट के जरिए वह पार्टी और नेताओं को मदद करते रहे हैं। तो अब बिहार में अब घूम रहे हैं, बिहार में कुछ बड़ा और नया करने का दावा कर चुके थे 2 साल पहले ही, पहले हम साल भर घूमेंगे फिर पार्टी बनाएंगे और भी बहुत कुछ बातें। तो उसी के निमित्त हम आए हैं कुछ जानने कुछ बातें। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर लगातार जनसभा बड़ी जनसभा करके पटना में न केवल राजनीतिक सुर्खियां बटोरी है बल्कि कह सकते हैं कि एक राजनीतिक मजबूत स्थान बनाने की ओर भी कई चिंतक विश्लेषक कहते हैं, तो उन्हीं बातों को जानने समझने हम आए थे अभी जनसुराज ऑफिस में पटना में। और हमारे साथ हैं अभी प्रदेश के प्रवक्ता संजय ठाकुर जी, मुख्य प्रवक्ता, तो उनसे जरा हम कुछ जान लेंगे समझ लेंगे। संजय जी पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत, आपकी समस्त टीम को तथा आपके तमाम श्रोताओं को जनसुराज परिवार की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है, बधाइयाँ। सवाल रहेगा कि जनसुराज क्या करना चाहती है बिहार में? जनसुराज सही लोगों को जिनमें सही सोच है और बिहार को बदलने का जज्बा है उन सही लोगों को, सही सोच वाले लोगों को एकजुट कर उनके सामूहिक प्रयास से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जा रही है। और इसी निमित्त आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के संस्थापक हैं और पदयात्रा अभियान के प्रणेता हैं, पिछले 2022 के 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के पावन अवसर से चंपारण के भितिहरवा आश्रम से उन्होंने शंखनाद किया बिहार को बदलने का और वहीं से उनकी पदयात्रा शुरू हुई। आज वो पदयात्रा चलते चलते ये 2 वर्षों से पदयात्रा चल रही है, जो पदयात्रा अभी सुपौल में पहुंच चुकी है, 19 जिले अभी तक उन्होंने पैदल पैदल चल लिए हैं। ये तो जनता को जगा करके और बिहार की जो कुव्यवस्था है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार में जो लूट खसोट है, इसे बदलना है। व्यवस्था परिवर्तन तो उसमें तो आप लास्ट सेंटेंस में बोल गए, पर और क्या व्यवस्था परिवर्तन बिहार में करना चाहते हैं आप? वही तो मैं बताना चाहता हूँ जी। देखिए, भारत सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा और सबसे बेरोजगारी वाला प्रदेश है, जहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हैं रोजी रोटी के लिए। और ये काम पिछले 40-50 वर्षों से जारी है। कांग्रेस की भी हुकूमत रही, राजद की हुकूमत रही, आज 19 बरस से नीतीश कुमार जी और भाजपा गठजोड़ की सरकार है, लेकिन इस गरीबी से, इस मुफलिसी से बिहार को निजात नहीं मिला, उल्टे बिहार दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। अभी बिहार सरकार ने जो आर्थिक सर्वेक्षण कराया है उससे जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 31 मार्च 2023 तक बिहार पर 2,94,000 करोड़ रुपया का कर्जा चढ़ा हुआ है। मसलन एक बच्चा जो अभी माँ के गर्भ से बाहर निकल के जन्म ले रहा है वह अभी 19,000 रुपये कर्ज लेते आ रहा है। इस स्थिति में, इस दुरावस्था में बिहार की पिछली तमाम सरकारों ने बिहार को पहुंचा दिया है। तो इससे जनता को निजात दिलाना, बेरोजगारों को रोजगार देना, अच्छी शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना जिसमें नेतरहाट से भी बेहतर वैश्विक स्तर के विद्यालयों की स्थापना प्रत्येक प्रखंड में कराई जाएगी साल में एक। अब अंदाजा करिए, जो 5 साल अगर हमारी सरकार रही तो 5 साल में प्रत्येक प्रखंड क्षेत्र में 5 नेतरहाट से भी उच्च स्तरीय वैश्विक स्तर के विद्यालय शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे। सुना जाए जब आप क्या करना चाहते हैं सो आपने पूछा है, इसलिए जवाब पूरा हो जाने दीजिए। तो ये विद्यालय खोले जाएंगे जिसमें आम आवाम के बच्चे निःशुल्क पढ़ पाएंगे। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने डंके की चोट पर यह भी घोषणा कर रखी है कि 15 बरस तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त किताब देंगे, मुफ्त उनको वस्त्र देंगे, उनको भोजन कराएंगे, पढ़ाएंगे। तो ताकि उनका मानना है कि शिक्षा ही गरीबी से निकलने का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। तो ये शिक्षा पर जोर ये रहेगा,
खेती किसानी को मुनाफेदार बनाना है। अभी लोग पेट भरने के लिए खेती किसानी कर रहे हैं, घाटे का सौदा है, तो उसको मुनाफेदार कैसे बनाना है, ये योजना हमारी बन गई है। समय से हम इस योजना को डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि हमारे विरोधी ऐसे ही हम लोगों से छटपटा रहे हैं, तो अभी बहुत सारी योजनाएँ हम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना जान लीजिए, खेती किसानी को भी मुनाफेदार बनाना है। तीसरी सबसे बड़ी हमारी आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सोच और घोषणा है कि जितने बिहार में मौजूदा बेरोजगार लोग भटक रहे हैं सड़कों पर, उनको रोजगार के संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। रोजगार तो सरकार उतना नहीं दे सकती, लेकिन रोजगार के लिए धन उपलब्ध कराना सरकार की प्रायोरिटी में रहेगा, और सभी बेरोजगारों को हम यहाँ रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का यह भी स्पष्ट घोषणा है कि जो लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात जा करके रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, बिहारी शब्द गाली बना हुआ है दूसरे प्रदेशों में, उन तमाम बिहारियों को बिहार बुलाया जाएगा शासन के एक साल के अंदर अंदर, और सबको रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने तो साफ कहा है जो 25 के चुनाव के बाद छठ पर्व होना है, और जितने भी बिहारी आ जाएंगे यहाँ अपना छठ मनाने आएंगे, उनको दोबारा जा करके पंजाब, कलकत्ता या गुजरात नहीं जाना है, सबको रोजगार हम यहीं देंगे। और एक और लास्ट बात, जो आदरणीय प्रशांत जी का यह भी सपना है कि एक दिन वैसा आए, बिहार इतना समृद्ध देश में राज्य बन जाए कि एक दिन ऐसा आए जो पंजाब, गुजरात, हरियाणा के लोग बिहार में नौकरी मांगने आए, बिहार में रोजी रोटी तलाशने आए। इस स्थिति में बिहार को पहुंचाना आदरणीय प्रशांत किशोर जी का सपना है, और इसी सपने को पूरा करने के लिए जनसुराज मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आपने सारी बातें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मतलब जैसे और भी नेता लोग वादा करते हैं उसे ही एकदम, तो हम लोगों का वादा मगर मुफ्त मुफ्त वाला बात ये मैच कर रहा है थोड़ा। एक नेता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, और मुख्यमंत्री सीधे कहें तो अरविंद केजरीवाल जी, मुफ्त मुफ्त मैच कर रहा है थोड़ा। नहीं नहीं, कहाँ मैच कर रहा है, हम क्या मुफ्त देने जा रहे हैं, हम तो शिक्षा को मुफ्त करेंगे। अच्छा, शिक्षा को मुफ्त। इसलिए मुफ्त करेंगे कि शिक्षा ही गरीबी से निकलने का सबसे बड़ा रास्ता है। लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया यहाँ की सरकारों ने, शिक्षा ही या कुछ और नहीं, पहले शिक्षा, अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उनमें काबिलियत आ जाएगी, उनमें होशियारी आ जाएगी, और वो अपना रास्ता तय कर लेंगे जो हमको क्या रोजी रोटी करना है, फैक्ट्री खोलना है कि हमको दुकानदारी करनी है, कि हमको खेती किसानी में व्यवसाय तलाशना है या व्यापार करना है। वो जब शिक्षित हो जाएंगे तभी ना समझेंगे। आज आपके बिहार में जानबूझ के लालू यादव की हुकूमत रही हो चाहे अभी नीतीश जी की हुकूमत रही हो, लोगों को अशिक्षित बनाया जा रहा है, पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आदरणीय प्रशांत जी बार बार कहते हैं जो मिडिल स्कूल में खिचड़ी, कॉलेज में डिग्री बांटे जा रहे हैं, कहीं पढ़ाई नहीं है। आप चले जाइए पटना साइंस कॉलेज जैसा कॉलेज बैठता चला जा रहा है, मिडिल स्कूल की हालत वही है। सरकार का पैसा लेने के लिए बच्चे आ रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं है, तो पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है, इसलिए पढ़ाई पर हम लोगों का बहुत फोकस है। एक और सवाल है, पदयात्रा लगभग डेढ़ दर्जन जिलों से ज्यादा में हो चुका होगा, बिहार के आधे जिलों से तो ज्यादा में, जिला कहा ना 19 जिला, 19वां जिला में चल रहा है, तो और आगे उत्तर मतलब इधर दक्षिण बिहार की ओर नहीं हुआ या कम ही हुआ है? होगा जी, तो कैसा रिस्पॉन्स लोगों का, कैसा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है, ये बातें आपको मैं बताऊं कि ये 19वें जिले में सुपौल जिला में अभी पदयात्रा चल रही है, और ये पदयात्रा निरंतर जारी रहेगा रहेगी जब तक पूरा बिहार आदरणीय प्रशांत किशोर जी न घूम लें, तब तक यह यात्रा जारी रहेगी। और 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी, तब तक हमारे 1 करोड़ बिहारी संस्थापक सदस्य हो गए रहेंगे, और उनकी ताकत से पार्टी का निर्माण होगा। ये देश के राजनीति की पहली घटना होगी जहां 1 करोड़ सदस्य पहले बन जाएंगे और बाद में पार्टी बनाएंगे। ये बड़ी घटना, आप इसको समझिए, ये हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद के राजनीतिक घटनाक्रम में ये पहल का मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, पहली घटना होने जा रही है। और 2 अक्टूबर के बाद भी हमारा बात, हाँ ठीक है ठीक है, आपका फिर ले लेते हैं सवाल। 2 अक्टूबर के बाद भी आदरणीय प्रशांत किशोर जी पदयात्रा करते रहेंगे, और जब तक पूरा दक्षिण बिहार से लेकर पूरे जिले 38 जिला जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक पदयात्रा जारी रहेगी। कब तक, जैसे आपने जितनी बातें जोड़ाई, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक तो परिवर्तन संभव नहीं है, मतलब की पोस्ट माना जाता है, तो जनता
कब तक आपको समर्थन दे देगी ऐसा लगता है? 25 में तो संभव, अब ये यहाँ से क्या कहें, आप 25 30 35 कुछ टास्क दशकों में आप मुगालते में हैं, आप कहीं से पूर्वाग्रही हो करके आप बात कर रहे हैं। नहीं वही ना, तो आपको जब बताया जा रहा है बार बार, आदरणीय प्रशांत जी तो जंगे की चोट पर कह रहे हैं कि 25 में जनसुराज की सरकार बनेगी, हम सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हमारी लड़ाई एनडीए से सीधी होगी, राजद हमारे साथ अगल बगल में न 3 में रहेगा न 13 में रहेगा, ये कहीं इसकी इसका वजूद नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव जो सीटें जीते हैं साफ, कल का रैली आपने देखा, भाजपा कहाँ रहेगी? अब भाजपा भी उसी दुर्दशा में जाएगी जिस दुर्दशा में तेजस्वी जाएंगे, सब जदयू का तो आप मालूम है आपको, आदरणीय ये सब कौन खेत की मूली है, नरेंद्र मोदी जी के नाम से जीत के जाता है, इन लोगों का कौन अपना वजूद है? चिराग पासवान का वजूद, किसी का वजूद नहीं है साहब, चाहे मांझी जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे नीतीश कुमार हो, आज जीते हैं पार्लियामेंट चुनाव तो केवल मोदी के नाम पर जीते हैं, बिहार में मोदी के नाम पर वोट हो, यही तो मानते हैं ना कि मोदी के पास वोट, हाँ मोदी के पास वोट पार्लियामेंट चुनावों में है, बिहार विधानसभा में मोदी के नाम पर वोट नहीं है, डर से आप लोग लोकसभा में लड़े, कई बार आजमा के वो देख चुके हैं बिहार में, उनकी सरकार आज तक नहीं बनी, मोदी के ही डर से जोड़ तोड़ से ही सरकार बनाते हैं, इधर से उधर खरीद बिक्री करके ही सरकार बना सकते हैं, मोदी जी के ही डर से लगता है लोकसभा नहीं लड़े, नहीं ऐसा नहीं है, चूंकि जब तक हमारा आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी की स्पष्ट घोषणा थी, शुरू से कह रहे थे कि जब तक हम राजनीतिक दल के रूप में तब्दील नहीं होंगे हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो नहीं इसलिए कांग्रेस 99 सीट लाई है, कांग्रेस 99 सीट देश में लाई है, दूसरी सबसे बड़ी दल है, उसकी ताकत को मानते हैं नहीं? भाई बिहार में कहाँ है वो, पछलगु है लालू यादव जी का, जो लालू यादव वे फैसला करेंगे, वे टिकट बांटेंगे, वे तय करेंगे, तो उन्हें कांग्रेस करता है, कांग्रेस तो झोला छाप है, ये झोला उठाता है लालू जी का, दूसरे कांग्रेस का अपना वजूद बिहार में कहाँ है? चलिए, सभी पार्टी को रगड़ दिए हैं प्रशांत किशोर के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर, और सवाल, हाँ आपने जो देखा, आपने एक सवाल किया जो 25 में होगा कि 30 में होगा, हाँ तो ये सवालवा होती ना, होता ही तो आपने अभी बापू घर सभागार में सब कुछ देख लिए, लगातार 1.5 महीना से देख ना रहे हैं जी, आए हमारा जन सुराज के पदाधिकारियों का पहला सम्मेलन बिहार में, यहाँ जातीय हकीकत है, आपको जाति पाति करना होगा, यहाँ नहीं करने की जरूरत, कोई नहीं कुछ नहीं, प्रशांत किशोर का 125 सीट आ जाएगा, 122 की बात आप कर रहे हैं, 200 से कम आएंगे तो हम अपनी को हारा हुआ, ये चैलेंज जरा, आदरणीय प्रशांत जी बार बार कह रहे हैं 200 से कम आएंगे तो हम समझेंगे हार गए हुए हैं, कहाँ हैं आप, भ्रम में जी रहे हैं, जात पात कहाँ है जरा बतलाइए, तो जब आप सवाल कर रहे हैं तो थोड़ा इस पर ध्यान से सुनिए, नरेंद्र मोदी जी का कोई जाति है, कोई जाति का बिहार में रहता है तो नहीं बताइए था, कोई परसेंट विधानसभा में उम्मीदवार हुआ तो जाति देख के ना दीजिएगा, बात सुनिए, नरेंद्र मोदी जी को लोग वोट दिया है कि नहीं, देता है उन्हीं के नाम पर, उनकी जाति कुछ नहीं है, इसके पहले जब इंदिरा गांधी मरी थी तो राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके थे, गुजरात का 3 बार सीएम रहे, कै परसेंट हिंदू वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, पूरा देश का एनालिसिस करिए, देश में 1 करोड़ आबादी में 20% मुसलमान और अल्पसंख्यक मिला करके है, 80% हिंदू है, हाँ मैंने पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ, 17 कैसे, 17 खाली मुस्लिम है, आए आपको सिख को आप अल्पसंख्यक भी तो हैं, ईसाई भी तो हैं, पर भाजपा को ज्यादा वोट हिंदुत्व के नाम पे मिलता है, हम ये कह रहे हैं हिंदू के नाम पे, नहीं नहीं मैं वही आंकड़ा आपको दे रहा हूँ, समझ लीजिए, कुछ तो मिलता होगा यार, सुन तो लीजिए, आप सुनिएगा नहीं खाली सवाल करिएगा, तो 80% हिंदू में 37% हिंदुओं ने ही भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उनको 37% वोट आया था प्रधानमंत्री है, बाकी 43% हिंदू सेकुलर है जो उनके खिलाफ है, उनका मुखालिफ है, तो वहीं 43% हिंदुओं को उसमें क्या है, गांधी की विचारधारा वाले हिंदू हैं, अंबेडकर की विचारधारा वाले हिंदू हैं, एक मिनट आपके नेता एक समय मोदी के फैन हुए करते थे, मोदी जी के काम करते थे, जवाब देंगे आपको, पहले ये सुन लीजिए, एक वो जो 43% हिंदू हैं वो गांधीवादी है, समाजवादी हैं, लोहियावादी हैं, वो अंबेडकरवादी हैं, और वो वामपंथी हैं, ये सब
सबको मिला के और तब उसमें अल्पसंख्यक को जोड़ दीजिए तो 60-63% वोट हो जाता है भाजपा का, आता पता नहीं रहेगा यहाँ उसी व्यवस्था। तो कांग्रेस यही तो कांग्रेस कर रही थी, नहीं, तो 100 सीट नहीं आ पाया। कांग्रेस देरी में देरी कर दी। कांग्रेस हम दल को नहीं बुला रहे हैं, हम विचारधारा को जोड़ रहे हैं, किसी दल के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं, इस सोच के लोगों को जोड़ रहे हैं। ये प्रशांत किशोर जी की कोशिश है कि आज़ादी के पहले वाला जो गांधी की रहनुमाई में कांग्रेस थी, जिसमें सभी विचारधारा के लोग मिलकर देश के हिंदुस्तान के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक उसी तरह से बिहार की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें सभी विचारधाराओं का एक मंच मिला है, उसका नाम है जनसुराज। इसलिए जात पात धर्म मजहब की सारी दीवारें ध्वस्त जाएगी। चलिए आपको बधाई शुभकामनाएं कहेंगे। संजय जी आप तगड़ा बोलते हैं, आप प्रवक्ता तो है ही हैं एकदम तगड़ा। बाकी हम अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत पर कई बातें जानने समझने आए थे, कुछ सवाल चुभ गया होगा तो चुभ गया होगा, चुभ लेना ना ना, सवाल आपका काम है, कला कर रहा, हमारा काम है जवाब देना। चलिए तो हम झकास भारत पर यही सब खबरें लाते रहते हैं, लगातार पॉलिटिकल से लेकर तमाम चीज़ें सुनाया करते हैं। बाकी प्रशांत किशोर का पदयात्रा जारी है, उन्हीं को लेकर हम बातें सुनने समझने आए थे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।